गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन होगा उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और न्यू वीडियोस आपको हम लाते हैं। एग्जैक्टली, अब हम रेगुलर हो चुके हैं, अब से यार रेगुलर कोई छुट्टी नहीं। और जो पुराने व्यूअर्स है जल्दी से आओ, वीडियोस देखो यार। और अच्छा, अब आते हैं अपने इंस्टाग्राम के चीज पे। इंस्टाग्राम पर अगर कोई लिंक शेयर करना तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कोई डेटा शेयर करना, और तुझे पता है काफी लोग समझ रहे थे हमारे बीच कोई लड़ाई हुई है या कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से हम साइड में थे। दरअसल यार ये गया हुआ था कहीं दूर ही समझो, कि फिर वो आ नहीं सकते थे, हम साथ वीडियो बना नहीं पा रहे थे, तो ये वापस आ गया, फैमिली के साथ ही गया हुआ था अपनी, तो अब आ गया तो आप बिल्कुल। और हमारी लड़ाई नहीं और ना कभी हो लड़ाई नहीं होती यार, लड़ाई इसमें क्या लड़ाई वही ना। अब आते अपने इंट्रो पे, मेरा ना मजा आता है। मैं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है दिस इज इंडिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद बोल दिया दिस इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लग रही है, तो जल्दी देखते हैं और देखते हैं कैसा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कमाल का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। राइज ऑफ इंडिया। चेंज कितना हुआ ना इंडिया इन 50-60 सालों में, ये दुनिया ये कहां पे है, ये क्या था पता नहीं है, इतनी ऊंची मुंबई मेट्रो बन रही है, देख दिल्ली मेट्रो। मुंबई मेट्रो अभी तक नहीं है ना इतनी खास, मतलब थोड़ी सी 20 किलोमीटर है, तो वो लंबा किया जा रहा है। और भाई कितना साफ सुथरा रोड था बे, ये कौन सी जगह यार, बहुत ऊंचाई पे लगे हुए हैं। ये कोई पोर्ट है, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका। अच्छा, मंगलोर में बन रही है, महाराष्ट्र, JNPT दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली। वाओ क्या एयरपोर्ट है, कमाल है। ये यूं गेम लग रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, साबरमती रिवर फ्रंट, ये बहुत फेमस है गुजरात। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में कोई टनल है ये। हाँ, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर का, बहुत लंबा है ना, ये कुछ डैम लग रहा है मुझे। हाँ, कितना खूबसूरत है यार, वाओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात, प्राउड ऑफ इंडिया। कोंकण रेलवे, जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन। अबे ये क्या है, ये मतलब प्यारी जगह कितनी यार, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडियन एयरफोर्स, बिल्कुल वाइड आती है ना, है ना, कितनी प्यारी लगती है, सामने शो होती है अगर ड्रोन से देखा जाए तो। ये कौन सा था रोड, फर्स्ट टाइम देखा वो, अभी नीचे भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, ये कौन सी जगह है गाइस, कमेंट सेक्शन में इसका बताना। अच्छा, बांद्रा वर्ली सी लिंक गई, मुंबई मुंबई ट्रेन हार्बर लिंक, ढोला सदिया लिंक। इंडिया में ब्रिजेस की तो लाइन लगी पड़ी है यार, हम तो सिर्फ उस वाला केबल ब्रिज पे, राजस्थान में, ये तो राजस्थान में भी केबल ब्रिज बने हुए हैं, मतलब केबल ब्रिजेस इतने हैं इंडिया में और इतने प्यारे, बहुत आड़े यार। मुंबई कोस्टल रोड है, वाओ अबे ये तकरीबन 4-4, 5-5 लाइन की रोड है, इसको कहते हैं ये वो है सर्कुलर क्लोवर रोड है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रही, काम जारी है, बहुत ऑसम यार, एक यार दो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, चार लाइनें हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है यार, वही तो द्वारका एक्सप्रेस, GSLV मार्क 3 भी बन रहा है इंडिया का, वो जो लॉन्चर है मिसाइल लॉन्चर, आई थिंक तक बना हुआ है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा आई थिंक सो, हां हो सकता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वर्ल्ड वन, ये टावर है वो जो सबसे, ये देखो जहाज, ये वो है जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करती है, बहुत बड़ा है यार, दुनिया का सबसे, गुजरात में ना आई थिंक सो, नहीं राजस्थान, अच्छा क्योंकि जितनी गर्मी उधर वो फिट जगह है, हाँ ना, मतलब गर्मी वाली जगह, सही बोला। ये कौन सा है यार, ये कहाँ पे है, प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, लाजमी मगर इस पे लोग काम करते हैं, मतलब ये रोड कितना प्यारा था, ये तो रेसिंग ट्रैक मुझे लगा, रोड बहुत प्यारे हैं भाई, ये देख कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, क्या बोले यार बंदा, ये बाड़ी साइड, ये देखो पहाड़ों पे,
यहाँ का भी रोड कितने साफ है, प्यारा लग रहा है जाते हैं ना तो। इंडिया विल कीप राइजिंग, जय हिंद। और ये वो नीचे वो टर्बाइन है, वो हाँ, जो ये टनल बना रही है, टनल जो होती है बनती है, टनल मशीन बनाने वाली। इधर हुई ये वीडियो, इधर हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शौक पे शौक लगे हैं इस वीडियो, कमाल की वीडियो यार। मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है, मैं कहता हूँ छप्पर उखाड़ वीडियो थी। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बताया गया, इस तरीके से हमने पहले कभी वीडियो में नहीं देखा। जिस तरह के इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, ऐसा कमाल का बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। और यार क्या लग रहे थे यार, मतलब मुबशीर चार चार पांच पांच लाइंस के वो रोड, और एक वो रोड देखा तुझे ऐसा लगता है रेसिंग ट्रैक का रोड है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो। पता नहीं यार वो प्लीज बताइएगा, बिल्कुल रेसिंग ट्रैक ही। और यार मैं समझ रहा था एक मुंबई में केबल ब्रिज, इसमें मैंने पांच छह केबल ब्रिज एक साथ देखे। सबसे बड़ा शौक तो राजस्थान वाले पे लगा, राजस्थान कितना प्यारा था यार, हमें नहीं पता था राजस्थान में इस लेवल पे केबल ब्रिज है। आसपास डेजर्ट है और यूं वो ब्रिज बना हुआ, केबल इतना सेक्सी लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था यार। मैं कहता हूँ मजा आ रहा है, मैं कहता हूँ मजा आया कसम से। जो राहुल गांधी कहता है मजा आया। और वो जो जो अब मुंबई मेट्रो के लिए नीचे टनल्स बन रहे हैं, वो टनल मशीन लगी हुई है, वो मतलब कितना देखो काम चल रहा है मुबशीर अभी, और काफी ज्यादा काम चल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब स्टैचू दुनिया का यार, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं। और यार क्या औसम लग रहे, रोड कितने वाइड थे और कितने प्यारे रोड थे यार। मैं कहता हूँ पहाड़ वाला एरिया था, कि मैं कहता हूँ पहाड़ वाला एरिया था, सब में रोड इंडिया ने ऐसे बनाए, इसलिए तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अप लेवल में आता है, टॉप 40 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आता है। आ गया तो जब आग तो नहीं आता है, वो मतलब वो अलग लिस्ट है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट देख, उसमें भी तुझे चाइना बाद में मिलेगा, इंडिया पहले मिलेगा। अच्छा और मैं उस दिन देखो मैं खुद काफी शॉक हूं। और अब तू मुबशीर देख, टाइम ऐसा आ गया कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट कर दिया। मतलब दिन का 40 किलोमीटर रोड बन रहा है, अंदाजा लगा तू, अंदाजा लगा। सबसे टॉप इन्होंने रोड बना डाले और ऐसे एक ग्रेड के रोड बना रहे हैं, इतने कमाल के रोड बना डाले, सलूट है यार अपने आप में। मैं कहता हूँ इसको कहते हैं वर्क हार्ड किया और एक कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियंस के लिए कह रहे हैं, ताकि इंडियन आसानी से सफर कर सके। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट मारेगी और वक्त बचेगा, वही काम उतना वक्त जितना वक्त बचेगा उतना काम ज्यादा होगा, तो भाई बहुत सही है ये। तो गाइस आपके इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ख्याल रखना तो यार, बाय।